पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग क्रिसमस का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं। ये हमारे लिए उल्लास का कारण है, आनंद मनाने का समय है कि जिस प्रतिज्ञा को ईश्वर ने सदियों पहले किया था उसे हमारे बीच में पूरा किया, अपने एक लौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं, शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच निवास किया। ईश्वर की इतनी महती दया, महती कृपा, महती अनुकंपा हमारे जीवन में पूरी हो रही है। उसी आनंद को, उसी खुशी को आज हम विशेष रूप से अनुभव करने के लिए, एक दूसरे से बांटने के लिए, एक परिवार के रूप में, एक समुदाय के रूप में आनंद मनाने के लिए हम इस मिसा पूजा बलिदान में आए हैं। आज का रविवार पवित्र परिवार का रविवार है, जिस परिवार में रहकर यीशु ने अपने माता पिता के अधीन में रहा और ईश्वर की आज्ञा पूरी करते हुए हमारे लिए मुक्ति विधान का दरवाजा खोल दिया, हम लोगों को अनंत जीवन के भागी बनाया। हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 16 में पढ़ते हैं, जहां पर कहता है वचन, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। उसी ईश्वर में अनंत जीवन को पाने के लिए, अनंत जीवन की महत्ता को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग एक क्षण अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने दोनों हथेलियों को खुला छोड़ेंगे। हम उस ईश्वर को धन्यवाद देते हैं जो हमको लगातार अपने प्रेम में बनाए रखता है। ईश्वर के उसी भरोसे को हम अपने जीवन में जीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रभु स्वयं कहता है, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। क्रिसमस का त्यौहार हम सभी के लिए आनंद का त्यौहार है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें उनके द्वारा मिले हुए हरेक वरदानों के लिए, कृपाओं के लिए। हम सब पापी हैं, कमजोर हैं, निरे मनुष्य हैं, लेकिन प्रभु हमारे बीच रहने के लिए आए और प्रभु कहते हैं, मैं धर्मियों के लिए नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। धन्यवाद यीशु हमारे जीवन में आने के लिए, हमारे जीवन को अनुग्रहित करने के लिए, हमें सच्चे प्रेम, खुशी और आनंद से परिपूर्ण करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए, परिवार के हरेक सदस्यों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। तूने संत जोसेफ और माता मरियम के परिवार में जन्म लेकर परिवार की संरचना की, परिवार की गरिमा को बढ़ाया। प्रभु जी आज हरेक परिवार के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं, उनके जीवन में होने वाले हरेक कार्यों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं, उनके सुख दुख सभी परिस्थितियों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु तू लगातार
हमारे बीच में रहता है, हमारे साथ रहता है, क्योंकि तू इमानुएल है, वह ईश्वर जो हमारे साथ है। लेकिन बहुत बार हम अपने व्यक्तिगत कारणों से हम उस उपस्थिति का अनुभव अपने जीवन में करने से चूक जाते हैं, उस प्रेम के प्रति ईमानदारी का जीवन जीने से चूक जाते हैं जिसे तू हर एक दिन हमारे जीवन में प्रदान करता है। उन सभी अवसरों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जब हमने तेरे वचन के विपरीत अपने जीवन को जिया। आइए हम सब पश्चातापी हृदय से पश्चाताप करते हुए दया याचना का गीत गाएं। आइए प्रभु के मिले हुए हरेक वरदानों के लिए, विशेष रूप से आनंद और उल्लास के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हुए खुशी से हम लोग महिमा गान गाएंगे। महिमा महिमा महिमा
महिमा महिमा महिमा ऊंचे नभ में महिमा जगत के सारे पाप के हार हम पे दया तू रखना सदा पिता के दाएं निराजता तू विनती हमारी सुन ले प्रभु महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा पवित्र आत्मा के संग दूर आवन पूरी प्रभु है पिता की महिमा सर्वपरि है तेरी महिमा होती है महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। आइए इस बिसा पूजा बलिदान में हम लोग एक परिवार की भांति प्रभु के पावन चरणों में आए हुए हैं। आज जब हम लोग पवित्र परिवार का पर्व मना रहे हैं, विशेष रूप से हम अपने अपने परिवार के हर एक आवश्यकताओं के लिए जरूरतों को प्रभु के सामने रखें, उन टूटे हुए परिवारों को प्रभु के सामने रखें जहाँ पर पति पत्नी और बच्चों में मेल मिलाप नहीं है। प्रभु की आशीष उनके जीवन में पड़े और उनका परिवार भी समृद्धि और खुशहाली से भर जाए। हे ईश्वर, तूने हमारे सम्मुख पवित्र परिवार का ज्वलंत आदर्श रखा है। हम पारिवारिक सद्गुणों के अनुपालन से उनका अनुकरण करें और प्रेम के अटूट बंधन में रहें। इस प्रकार एक दिन हम तेरे स्वर्गीय परिवार में सम्मिलित होकर आनंद अनंत आनंद प्राप्त कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। आपको आशीर्वाद प्रदान करें ताकि वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2-6 12-14। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला अपने माता पिता का आदर करता है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपने ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। हे पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो। जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी, वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। इस घर
ईश्वर का तुम आश्रय बन जा। यीशु मरियम यूसुफ पिता हमारे घर के आंगन में पावन दूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। यीशु मरियम यूसुफ पिता हमारे घर के आंगन में पावन दूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। पहरा देने चारों स्वर्ग दूतों को लगा देना। घर के कोने कोने में तुम रक्षा स्तंभ लगा देना। घर के कोने कोने में तुम रक्षा स्तंभ लगा देना। शैतान के सब फंदों से हम दुबलों को तुम बचा लेना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। यीशु मरियम यूसुफ पिता हमारे घर के आंगन में पावन दूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। साथी और सहारा बन हमें संग संग चलना सिखा देना। साथी और सहारा बन हमें संग संग चलना सिखा देना। एक दूजे को साया देने एकता का तुम वर देना। एक दूजे को साया देने एकता का तुम वर देना। दुख में सुख में हर हालत में संग संग चलना सिखा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। यीशु मरियम यूसुफ पिता हमारे घर के आंगन में पावन दूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। यीशु मरियम यूसुफ पिता हमारे घर के आंगन में पावन दूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करें ताकि आप वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 12 से 21 तक। प्रभु की इच्छा के अनुसार घरेलू जीवन। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञता पूर्व हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहें या करें वह सब प्रभु यीशु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए
उचित है। पत्नियां और अपने पतियों के अधीन रहें, पति अपनी पत्नियों को प्यार करे और उसके साथ कठोर व्यवहार न करे। बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पिता अपने बच्चे को खिजाया नहीं करे, कहीं ऐसा न हो कि उनका दिल टूट जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, Alleluia, 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 Jeevan Data, Alleluia, Mukti Data, Alleluia, Jeevan Data, Alleluia, Mukti Data, Alleluia, Shanti Data, Alleluia, Shakti Data, Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 बरस का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौटे, परंतु बालक यीशु अपने माता पिता के अनजान में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढने लगे। उन्होंने उसे नहीं पाया और उसे ढूंढते ढूंढते वे यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठते, उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो, तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? क्या आप या नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु यीशु का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। यीशु उनके साथ नाजरेत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को ख्रिस्त जयंती का बहुत बहुत मुबारकबाद और ईश्वर की कृपा आपके जीवन में बरकरार रहे, यही कामना मैं करता हूँ। आज हम लोग पवित्र परिवार का पर्व मना रहे हैं और तीनों पाठ हमें एक ऐसे परिवार की परिकल्पना की ओर लेकर चलता है जो वास्तव में आदर्श का परिवार है, आदर्श परिवार है। और वहाँ होने वाले हरेक कार्य
ईश्वर के अनुग्रह से संचालित होता है। पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा उनका संचालन होता है। आज का पहला पाठ जो प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है, वहां पर प्रवक्ता ग्रंथ के रचयिता सभी लोगों को पारिवारिक जीवन को कैसे जीते हैं उनके विशेषताओं के बारे में हमारा परिचय कराते हैं कि पारिवारिक जीवन जीते हुए हम सभी का कर्तव्य होता है कि हम परिवार में अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें। माता पिता अपने जिम्मेदारियों को निभाएं बच्चों के लालन पालन के प्रति। बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि वे लोग अपने माता पिता का आज्ञा माने। उसी प्रकार से दूसरे पाठ में कलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र के द्वारा संत पौलुस लोगों को प्रेम में आगे बढ़ने के लिए बुलाता है कि किस प्रकार से पारिवारिक जीवन जीते हुए एक दूसरे को प्रेम में रखते हुए एक दूसरे से प्रेम बांटते हुए हम एक आदर्श परिवार की योजना बना सकते हैं। हम आदर्श परिवार की भांति अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। ख्रिस्त जयंती में जब हम लोग इन वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं तो हमारे लिए ये अति आवश्यक है कि हम क्रिसमस का अर्थ और उसका मतलब हम सही मायने में समझ पाएं। यदि हम इस पर्व को गहराई से मनन चिंतन करें तो यह हम लोगों को बहुत ही आश्वस्त करेगा, निराश करेगा। एक बार की घटना है जिसे हम लोगों के फादर लोग बताते हैं कि फादर वीरेंद्र उस समय बेनीपुर पैरिश के पैरिश प्रिस्ट रहे और वे बच्चों को दिखाना चाहते थे कि चरनी बनाकर कि कौन कौन से लोग वहाँ उपस्थित थे, और इसलिए उन्होंने कहीं से चरनी का एक सेट मंगाया और चरनी में छोटे छोटे मवेशी थे, यूसुफ था, मरियम था और चरवाहे थे, राजा लोग थे। तब जब ये सेट लाया गया और जब इन्हें खोला गया, क्योंकि जो भी मूर्तियाँ थी वो छोटे छोटे थे, है ना, प्रतिमा थी वो छोटे छोटे थे, तो सबको निकाला गया और सबको वो फादर लेके रखने लगा एक एक करके। जब सबको रखा गया तो पाया गया कि यीशु तो वहाँ है ही नहीं है, क्योंकि जो कागज़ थे उसी में लपेट के उसको एक कार्टून में लगा के लाया गया था। इसलिए उन कागज़ में यीशु को नहीं देखा और उन कार्टून के साथ में, कागज़ के साथ में उसे बाहर फेंक दिया गया था। बाद में उसे लाकर उसे रखा गया। क्रिसमस कभी कभी हमारे लिए ऐसा ही हो सकता है। जिस यीशु को ईश्वर ने सदियों से प्रतिज्ञा की थी हम लोगों को देने के लिए और हमारे बीच निवास करने के लिए, संभवतः हमारी बाह्य खुशी और बाह्य तैयारी यीशु को हमसे दूर कर देती है और हम अपने आप को यीशु से दूर कर देते हैं। कैसे? आज का जो पर्व मना रहे हैं वो हमारे लिए क्रिसमस की सबसे बड़ी चुनौती है। और हम जानते हैं वर्तमान में पारिवारिक जीवन कितना कठिन हो गया है। लोगों का तलाक हो रहा है, परिवार में मतभेद है, लोग एक दूसरे का सामना नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। बच्चे अलग जीवन जी रहे हैं, माता पिता अलग जीवन जी रहे हैं, घर में माता और पिता के बीच में स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, लड़ाई है, परिवार टूट रही है। तो जब इस परिवेश में हम लोग क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं तो यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती देती है कि हम उस परिवार की परिकल्पना में अपना योगदान दे सकें जहाँ पर प्रभु यीशु स्वयं आते हैं, विराजमान होते हैं, जन्म लेते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं और ईश्वर के सेवा कार्य को अंत में पूरा करते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु अपने सेवा कार्य करने से पहले 30 वर्ष तक लगातार माता मरियम और यूसुफ के सानिध्य में रहे। परिवार की महत्व इससे झलकती है कि परिवार का होना, एक परिवार का होना कितना महत्वपूर्ण है।
आज के सुसमाचार में हम लोगों ने देखा कि यीशु जब यरूशलेम में छूट जाते हैं तो माता पिता उनकी खोज में जाते हैं, उनको लेकर आते हैं, और यीशु उनके साथ रहते हुए मनुष्य और ईश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने आयु में बढ़ने लगते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि प्रभु की महिमा हमारे परिवार पर बनती है। हम देखते हैं कि जब माता मरियम पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती हो जाती है और जब इसकी सूचना यूसुफ को मिलता है तो यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करना चाहता है, लेकिन ईश्वर की योजना उसके जीवन में पूर्ण होती है। वह मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है और यीशु का पालक पिता बनता है, और इस प्रकार से एक पवित्र परिवार की संरचना होती है। हम देखते हैं कि ईश्वर की महती योजना सबसे पहले परिवार को जोड़ने से शुरू होती है, कि एक परिवार जो टूट रहा होता है उसको पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, ईश्वर की आत्मा की शक्ति के द्वारा उसे जोड़ा जाता है और एक आदर्श परिवार के रूप में उसे बनाया जाता है। जब यह परिवार ईश्वर की योजना पर निहित जीवन जीने लगती है तो सारी योजनाओं में ईश्वर का वरदान उनके जीवन पर होता है। हम देखते हैं कि यूसुफ को बड़े सवेरे उठकर मिस्र देश की ओर भागना पड़ता है, उसे नए देश में जाना पड़ता है जहां पर एक नई शुरुआत करना पड़ता है, लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बावजूद वह ईश्वर के प्रेम में अंत तक बने रहता है, ईश्वर की सेवा कार्य में अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करता है। आज जब हम लोग यह पर्व मना रहे हैं तो आइए हम अपने आप के परिवार के जीवन को जांच कर देखें, परख कर देखें। जो कर्तव्य मैं अपने जीवन में एक परिवार में दे सकता हूँ, क्या मैं उसके प्रति ईमानदारी का जीवन जीता हूँ? क्या मैं ईश्वर को उस संदेश के लिए अपने आप को तैयार कर पाता हूँ जिसे वह हर एक दिन मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा देना चाहता है, कि मैं अपने जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार रह सकूँ? माता पिता होने के नाते हम सभी की जिम्मेदारी यह होती है कि हम बच्चों का लालन पालन अच्छे तरह से कर सकें, जिनके बारे में आज हम लोगों ने पहले पाठ और दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना, और हम लोगों ने एक जिम्मेदार माता पिता के दायित्वों के बारे में सुसमाचार में देखा। तो माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वे एक दूसरे को प्यार करें। पति अपने पत्नी को प्यार करें, पत्नी अपने पति को प्यार करें, उनका आदर करें, और परिवार में उसी प्रेम को अपने बच्चों को दे सकें। परिवार की संरचना में कोई भी चूक ना हो, इसके लिए सबसे पहले उन्हें ईश्वर के सानिध्य में अपने जीवन को व्यतीत करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से यीशु के वचन को जब माता मरियम समझ नहीं पाती है तो अब उसे अपने हृदय से लगा कर रखती है, और उस वचन के प्रति ईमानदारी का जीवन जीते हुए वह प्रभु यीशु के जीवन के अंत के समय में भी वह उनका साथ देती है। ठीक वैसे ही परिवार में जो समस्याएं होती हैं, जो कठिनाइयां होती हैं, उन सभी में हम लोगों को ईश्वर के वचन को और ईश्वर के मार्ग को लेकर आने की ज़रूरत है। जब हम लोग उनके प्रति वचनबद्ध होते हैं, उनके वचनों को हम अपने जीवन में घर करने देते हैं, तो हमारे समस्याओं का समाधान मिलने लगता है। परिवार के दूसरे सदस्य बच्चों का कर्तव्य यह है कि वे लोग अपने माता पिता के प्रति ईमानदार रहें, उनकी सेवा शुश्रूषा करें, उनकी बातों को माने, और परिवार को जोड़ने में उनकी जो जिम्मेदारी है उन सभी को हम माने। आज देखते हैं कि किस प्रकार से नौकरी के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर और अन्य कार्यों के नाम पर बच्चे अपने माता पिता को घर में छोड़कर दूर देश चले जाते हैं। कभी कभी वे इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जो प्यार उन्हें अपने माता पिता को देना चाहिए था और जो प्यार उन्हें अपने माता पिता से मिलना चाहिए था उससे वे चूक जाते हैं। जिस प्रकार से यीशु अपने सेवा कार्य करने से पहले परिवार में पूरी तरह से समय बिताते हैं, अपनी माता पिता के सानिध्य में वह अपने आप को तैयार करते हैं, ठीक वैसे ही हम सबकी जिम्मेदारी है, युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे लोग भी परिवार की महत्व को समझें, परिवार के सानिध्य में रहें, माता पिता का कहना माने,
तब उनके जीवन में ईश्वर की प्रचुर मात्रा में आशीष और बरकत होगी, उनके कार्यों में ईश्वर की आशीष होगी। और जो लोग ईश्वर को अपने माता पिता में देखते हैं वे लोग धन्य होते हैं। तो आइए हम लोग आज अपने अपने परिवार को प्रभु के चरणों में रखते हुए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि जिस आदर्श परिवार को लेकर माता मरियम, यूसुफ और येसु एक ऐसे परिवेश में रहे जहां आदर्श परिवार कहलाता है, आज उसी परिवार को हम लोग अपने जीवन में उतार कर देखें, अपने परिवार में उतार कर देखें, ताकि हम प्रभु के सानिध्य में रहते हुए इस क्रिसमस अवधि को हम लोग आनंदपूर्वक मना सकें। आमीन। आइए हम सभी को अपने विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के सामने दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन विश्वास करता हूं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, बेतलहम के बालक यीशु के द्वारा पिता ईश्वर ने हम पर अपनी कृपा और करुणा प्रकट की है। आज यही प्रभु यीशु हमारे दीन प्रार्थना अपने पिता के सम्मुख अर्पित करे, इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम कलीसिया के परिपालकों के लिए निवेदन करते हैं, तू उनके साथ रह जब वे मनुष्यों को तेरे जन्म का शुभ संदेश सुनाते हैं, इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, इस पावन दिवस में विश्व भर के कलीसिया पर अपनी आशीष बरसाइए, वह लोगों के हृदय में नई आशा एवं शांति की ज्योति प्रज्वलित करे, इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, इस संसारिक जीवन की तीर्थ यात्रा में तेरी दिव्य ज्योति हमारे हृदयों को आलोकित करे और हमारे बीच जन्मे तेरी महिमा के हम दर्शन कर सके, इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, के अनादि शब्द हमारी मुक्ति हेतु तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया और हमें नव जीवन देकर उन्नत किया, मृत विश्वासियों की हमारे साथ ख्रिस्त जयंती की इस नवीनता के भागीदार बने, इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, बालक प्रभु यीशु के जन्म से स्वर्ग और पृथ्वी को सद्भावना और शांति के सूत्र में बांध, उसी शांति को इस युग के राष्ट्रों और मानवों के बीच स्थापित कर, इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, आज हम लोग संसार भर के हर एक परिवार के लिए, परिवार के हर एक सदस्यों को तेरे पावन चरणों में समर्पित करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जिस प्रकार से तो नाजरत के परिवार में विराजमान होकर उसे एक आदर्श परिवार बनाया, ठीक वैसा ही प्रभु अपने आप को इस परिवार में प्रकट कर, इन परिवार में प्रकट कर, ताकि ये परिवार भी एक आदर्श परिवार की भांति अपने जीवन को जी सके, इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम उन सभी टूटे हुए परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं, मनमुटाव है, एक दूसरे में प्रेम की भावना नहीं है, परिवार में अशांति है, परिवार टूट रहा है, लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, एकल जीवन जीने के लिए लोग आगे आ रहे हैं, उन सभी टूटे हुए परिवारों के लिए, दुखित परिवारों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु की महती दया कृपा उनके जीवन पर पड़े, उन्हें मेल मिलाप का वरदान मिले, ताकि वे लोग एक साथ आकर एक पवित्र परिवार की भांति अपने जीवन को जिएं, अपने कर्तव्यों को समझें और एक और इस तरह से एक पवित्र परिवार की संरचना कर सकें, इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं,
जिनका कोई भी परिवार नहीं है, जो अनाथ हैं, उन सभी लोगों को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं और उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जिस पारिवारिक प्रेम से वे लोग वंचित हैं, प्रभु उन्हें अपने प्रेम से भर दे, अपनी कृपा से भर दे और उनके जीवन में होने वाले हर एक कार्य में प्रभु उपस्थित रहे। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सभी को ही अपने अपने जो भी निवेदन है, उन सभी निवेदनों को प्रभु के सामने रखें और एक क्षण मौन होकर उन सभी निवेदनों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आनंद पूर्वक तेरे पुत्र की जयंती मना रहे हैं। इस जीवन में हम इन्हीं प्रभु का अनुकरण कर एक दिन इनकी महिमा के सहभागी बने, यह वर दे इन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यहाँ बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तुझे प्रायश्चित का यह बलि चढ़ाते हैं। हम दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि तू ईश माता कुमारी मरियम और संत योसेफ के निवेदन से हमारे परिवारों को कृपा और शांति की नींव पर सुदृढ़ रख, यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि जब इन्होंने शरीर धारण किया तो हमारे सामने तेरी महिमा की नई ज्योति चमकने लगी कि अपने ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से हमारा हृदय अलौकिक वस्तुओं के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। महिमा परिमा पहले तीनों धाम
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत जोसेफ, प्रेरितगण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र येसु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर एक साथ त्रित्व में ईश्वर का गुणगान करेंगे। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु दुराई से बचा हमें। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है,
मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर। इस मिसा पूजा बलिदान में भाग लेने वाले हर एक विश्वासी के विश्वास पर, पूरे संसार के विश्वास पर, हमारे परिवार के विश्वास पर, सभी लोगों के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए परस्पर प्रेम भाव रखिए। क्रिस्त की हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, या वही शब्द है जिसने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया और पवित्र परिवार को हमारे लिए एक नमूना प्रस्तुत किया। धन्य हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मौन होकर हम प्रभु के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसे हम लोगों ने शरीर और रक्त के माध्यम से हमारे जीवन में पाया है, जिन्होंने हमें अपने पवित्र वचन से अनुग्रहित किया है। धन्यवाद प्रभु जीवन के मिले हुए हरेक वरदानों के लिए। जिस प्रकार से हमारे पारिवारिक जीवन का केंद्र बिंदु तू है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे बीच में आकर हमारे जीवन को अनुग्रहित करने के लिए, हमें प्रेम से भरने के लिए, हमें आनंद देने के लिए। आज हमें जरूरत है कि हम अपने परिवार में, परिवार के होने वाले हर एक कार्य में प्रभु को अपना केंद्र बिंदु बनाएं, प्रभु में निहित अपने परिवार के जीवन को जी सकें। इसके लिए लगातार हम सभी को प्रभु के प्रेम में
बने रहने की जरूरत है। प्रभु कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। उसी मार्ग पर चलने के लिए हमें तत्पर होना है, उसी जीवन को पाने के लिए हमें लालायित रहना है और उसी सत्य की खोज में लगातार बने रहना है। जिस प्रकार से पेत्रुस कहता है, प्रभु हम किसके पास जाएं, तेरे ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। जिस संदेश को लेकर प्रभु ने हमारे बीच आकर हमें मुक्ति दिया है, आज उन्हीं वचनों के प्रति हम अपने आप के जीवन को समर्पित करते हुए आगे बढ़ जाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सभी वरदानों के लिए। प्रसाद भजन। हमारे ईश्वर ने पृथ्वी पर दर्शन दिए हैं और मनुष्यों के बीच निवास किया। हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता, तेरे स्वर्गिक भोजन से हमें नव स्फूर्ति प्राप्त हुई है। यह वर दे कि हम पवित्र परिवार के आदर्श पर चले। जब इस जीवन के झंझटों और संकटों से हमारा छुटकारा हो जाए तो हम इस पावन परिवार में अनंत काल के लिए सम्मिलित हो जाएं। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। हम सब विदा लें, इस प्रेम में अपने जीवन को बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। चरनी में यहूदा नगरी में